और गाइस यार जंगलों के बीच से जाना पड़ रहा है तो। और गाइस दावत से घर आ चुके हैं। हेलो गाइस, मैं हूं तम्मल और आपको स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं पायता सरियली मेरे दोस्त हीरोक के साथ। और गाइस अभी हम जा रहे हैं रोंगिया, तो पैदल चलने में तो काम हो गया और अभी जा रहे हैं रोंगिया। तो और गाइस धान का खेती भी स्टार्ट हो गया है। अभी एक आदमी के घर में जा रहे हैं कुछ लाने के लिए, कुछ मछली वगैरह लाएंगा बोला है मेरा दोस्त। और गाइस अभी मछली पकड़ने जा रहे हैं, फिर से एक नई जगह आया है मेरे दोस्त का, कुछ रिश्तेदार लगता है तो वहाँ पे आए हैं और रोंगिया के पास में है ये। पूल में जा रहे हैं, जाने के लिए पानी भरा मैदान पार करना पड़ता है। और गाइस यार जंगलों के बीच से जाना पड़ रहा है तो काफ़ी सावधानी से जाना पड़ेगा। और वहाँ पे आगे पोखर मिल गया हमको और ये रहा हीरोक जूती। और गाइस फाइनली आ चुके हैं यही जगह, इस जगह पे तो बहुत ही मेहनत करके आया हुए, तो इतना मेहनत करके आए हो पहली बार आए हो। और ये देखिए पूल, और यहाँ में ही मछली पकड़ेंगे अब और मछली ले जाएंगे घर में, गांव के घर में। और गाइस पूल के किनारे किनारे जा रहे हैं और नज़ारा भी बहुत अच्छा है यहाँ से। और ये रहा कमल के फूल, और मैं पहली बार देख रहा हूँ तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और गाइस ये रहा पपीता का पेड़, और यहाँ पे बहुत सारे केले का पेड़ भी है। और गाइस अभी केला खा लेते हैं, फ्रेश फ्रेश केला यहीं पे लगा हुआ है तो बहुत ही फ्रेश है। और गाइस अभी खा रहे हैं आम, और आम का पेड़ भी है यहाँ पे, वो देखिए। और गाइस अभी अमरूद भी खा रहे हैं फ्रेश फ्रेश, यहाँ पे खा ही जा रहे हैं बस। तो गाइस सभी चीज़ों का खेती किया हुआ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा खेती है ना, तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ इतना ज़्यादा खेती। सभी चीज़ों का एक साथ खेती किया गया है, और पुल के किनारे जितना भी मिट्टी है ना वहाँ पे। और गाइस अभी मछलियों के लिए चारा दे रहे हैं, इसके लिए हम आए थे मछली पकड़ने। तो पहले एक मछलियों के लिए चारा बनाया जा रहा है, और उसके 10-15 मिनट बाद मछली पकड़ा जाएगा। और गाइस 15-20 मिनट हो गए, अभी मछली पकड़ा जाएगा चाल से, तो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। और गाइस मछलियाँ तो काफ़ी आया है 3-4, तो देखते हैं कि क्या क्या लेने लायक है, तो बड़ा मछली ही लेंगे हम। और मछलियाँ तो काफ़ी मिला है चौथे बरे, लेकिन हमने दो ही बरे मछली लिया है, तो इसे लेते और निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट भी हो गया। और गाइस फार्म हाउस से निकल चुके हैं, और मछलियाँ और कुछ सब्जियाँ भी ले लिया है, अभी जाएंगे घर में। और गाइस घर जा ही रहे थे तो कुछ ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पे रुके। तो गाइस जा ही रहे थे तो ट्रेन आने वाला है, क्रॉसिंग में रुका हुआ है। घर पहुंच चुके हैं और अभी जाएंगे दावत में। और गाइस अभी दावत खाने आए हैं। और गाइस दावत से घर आ चुके हैं। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ी देर घूमेंगे और कुछ खाएंगे, दुकान भी जाएंगे। और गाइस दुकान जा रहे हैं अब, आप पीते हैं नींबू पानी दोस्तों के साथ। और गाइस घर पहुंच चुके हैं। और गाइस घर में हम दोनों ही है, बाकी सब लोग बाहर गए हैं, दुकान में गए हैं और एक रिश्तेदार के पास भी गए हैं। तो गाइस अभी करते हैं डिनर। डिनर में वही मछली जो दिन में लाए थे हम। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे, और अभी हम निकलने वाले हैं गुवाहाटी तक। 7:30 बजे का बस है और गुवाहाटी तक, तो आज निकलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, बस स्टैंड तक पहुँचने वाले हैं।
तो गाइस बस पकड़ लिया और निकलते गुवाहाटी तक। और गाइस खाना बारा पहुंच चुके हैं तो अभी जाएंगे डायरेक्ट घर। और गाइस घर पहुंच चुके हैं, अभी टाइम हो गया 11 बज गए। और गाइस इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।